गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम लोग जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अरे। अरे क्या होता है, अरे के कितने टाइप्स होते हैं, अरे के वेरिएबल को कैसे स्टोर करते हैं, अरे के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे। तो हम लोगों ने आपके हिसाब से वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल तीनों पढ़ा है, जबकि जावा में सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे होता है। तो मल्टी डायमेंशनल अरे में ही वो टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल अरे को इंक्लूड कर रखा है। आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम लोग स्ट्रिंग बफर क्लास के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रिंग बफर क्लास आखिरकार है क्या? स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग क्लास की एक पीर क्लास है। ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, टॉपिक है। पीर का मतलब होता है, पीर क्लास का मतलब उसी के जैसे, जैसे स्ट्रिंग क्लास थी ना, सेम उसी के जैसे स्ट्रिंग बफर क्लास है। तो फिर अब आपके दिमाग में आएगा तो फिर काहे पढ़ रहे हैं हम स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग तो हमने पढ़ लिया है तो स्ट्रिंग बफर पढ़ने की क्या जरूरत है। यानी स्ट्रिंग क्लास फिक्स्ड लेंथ की स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। हम लोग क्या करते थे, सपोज दैट स्ट्रिंग str इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग और ब्रैकेट में जो भी हमने दे दिया मान लीजिए, तो अब ये कितनी करेगा, सिर्फ एक की करेगा क्योंकि j बस मैंने किया। जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास, वो स्ट्रिंग बफर क्लास फ्लेक्सिबल लेंथ की स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। मतलब तुम एक बार स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसे फ्लेक्सिबल नहीं बना सकते। जबकि स्ट्रिंग बफर क्लास की क्या कहानी है, इसकी लेंथ क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब अपनी सुविधा के अनुसार हम उसको कम या ज्यादा कर सकते। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स और उसकी लेंथ दोनों को मॉडिफाई किया जा सकता है, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज यूज टू क्रिएट म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब मॉडिफाई, वही है स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग बफर क्लास इन जावा इज सेम एज स्ट्रिंग क्लास एक्सेप्ट इट इज म्यूटेबल, इट कैन बी चेंज। मतलब वो स्ट्रिंग क्लास की तरह है लेकिन चूंकि जो जावा में स्ट्रिंग क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या नहीं कर सकते थे, मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते, मींस कम या ज्यादा किया जा सकता है। एक नोट है, जावा स्ट्रिंग बफर क्लास इज थ्रेड सेफ। ये थ्रेड से सेफ है क्योंकि मल्टीपल थ्रेड्स कैन नॉट एक्सेस इट साइमल्टेनियसली, इसमें मल्टीपल थ्रेड का यूज नहीं किया जा सकता। सो इट इज सेफ एंड विल रिजल्ट इन ऑर्डर, इसलिए सेफ है और इसका रिजल्ट जो है एक ऑर्डर में सिक्वेंस में आता है। जबकि स्ट्रिंग क्लास के साथ ऐसा नहीं था, स्ट्रिंग क्लास थ्रेड सेफ नहीं थी, उसमें मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली यूज किया जा सकता था। अब स्ट्रिंग बफर चूंकि क्लास है तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्टर भी होंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्टर इसका स्ट्रिंग बफर, इसी नाम से क्लास होगी तो इसी नाम से कंस्ट्रक्टर बना दिया। क्रिएट्स एन एम्प्टी स्ट्रिंग बफर विद इन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 16। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। जब मैं स्ट्रिंग बफर
एस बी इक्वस टू न्यू स्ट्रिंग बफर लिख देता हूं, तो ये एक एम्प्टी टाइप का स्ट्रिंग बफर क्रिएट करता है। बफर का मतलब यहां पर बार बार बफर आ रहा है, बफर का मतलब एक कंटेनर से है, खाली कंटेनर जिसपे हम कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, कुछ भी मतलब जो भी स्टोर कराएंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही स्टोर होगा। लेकिन इस कंटेनर की जो कैपेसिटी, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल न्यू, यह हट जाएगा, इसको नहीं लगाएगा, ठीक है ना, जगह अपन उसकी बात करेंगे, ठीक। फिर न्यू स्ट्रिंग बफर, अब जैसे मैं ऐसे क्रिएट करूंगा तो क्या होगा, एक मेरे पास 16 कैपेसिटी का एक कंटेनर बफर क्रिएट हो जाएगा, 15, क्योंकि 15 और 0 मिलेंगे तब 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये कंटेनर क्रिएट कर, तो ये स्ट्रिंग बफर क्लास है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी इसका बहुत यूज आगे आने वाला है। तो इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, 16। फिर ये कंस्ट्रक्टर है स्ट्रिंग बफर, एक इसमें आर्गुमेंट्स पास किया गया स्ट्रिंग एसटीआर टाइप का, क्रिएट स्ट्रिंग बफर विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। मैं यहां पर जो खाली क्रिएट किया था यहां पर मैं एक स्ट्रिंग दे सकता हूं, जो भी स्ट्रिंग दूंगा उसी हिसाब से स्पेस वो क्रिएट करके उसमें स्टोर कर देगी। थर्ड है स्ट्रिंग बफर इंट कैपेसिटी, मतलब हम उसकी कैपेसिटी क्या होगी उसके हिसाब से उसके लेंथ को यहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये दूसरा तीसरा कंस्ट्रक्टर। तो कितने कंस्ट्रक्टर इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, 3 कंस्ट्रक्टर पाए जाते हैं। पहला है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जिसमें एक पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का पास किया गया है, और तीसरा स्ट्रिंग बफर जिसमें इंटीजर टाइप का कंस्ट्रक्टर पास, इंटीजर टाइप का वेरिएबल पास किया गया है। तो इसकी कुछ अपनी मेथड्स भी हैं। तो देखिए स्ट्रिंग बफर्स की मेथड कौन कौन सी है, सबसे पहली है स्ट्रिंग लेंथ एंड कैपेसिटी, ये दोनों अलग अलग है, लेंथ अलग है कैपेसिटी अलग, लेकिन अपन ने यहां पे लिखा हुआ लेंथ एंड कैपेसिटी, ठीक है। दूसरी है मेथड इसकी अपेंड, तीसरी इंसर्ट, चौथी रिवर्स, पांचवी डिलीट एंड डिलीट कर, छठवी रिप्लेस और सातवीं इंश्योर कैपेसिटी। तो ये एक मेथड हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये लीजिए आपकी 8वीं मेथड, ठीक। तो इस तरह से जो स्ट्रिंग बफर क्लास के अंतर्गत जो मेथड्स हम यूज करेंगे, ये सभी मेथड्स हम लोग यूज करेंगे और सभी का एक एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक। तो आइए इनको विस्तार से देखते हैं। तो स्ट्रिंग बफर मेथड, पहली मेथड है लेंथ मेथड। इट इज यूज टू रिटर्न द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जो भी स्ट्रिंग दिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने होंगे ये लेंथ बता देती है। दूसरी है कैपेसिटी, इज यूज टू रिटर्न द करंट कैपेसिटी, मतलब डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है तुम्हारी, 16 होती है ना, डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी भी पड़ रहा है ना मैंने वहां पे 16, तो करंट कैपेसिटी क्या है वो बता देगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल लेंथ और कैपेसिटी का।
तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल आपका हम लोग बता रहे हैं, राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिटर्न द करंट लेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट, जो भी हम इसमें स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो क्लास लेंथ कैपेसिटी क्लास का नाम है, ये आपकी मेन क्लास है, और ये देखिए स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग नेम जो भी ये ऑब्जेक्ट का नेम है। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग बफर, और एक पैरामीटर इसके साथ पास कर दिया गया है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का, हेलो ऋषभ। ठीक है, फिर इंट एलियन, मतलब एक वेरिएबल या मैंने इंटी के टाइप का, स्ट्रिंग नेम डॉट लेंथ, पहला मैं इसकी लेंथ देखना चाहता हूं कितनी लेंथ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 विथ स्पेस। ठीक है, फिर इंट कैप मतलब कैपेसिटी, स्ट्रिंग नेम जो इसकी कैपेसिटी होगी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी है, और कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिंग जो भी है, यहां पर उसको प्रिंट कर देगा। तो आइए देखिए, कितना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 13, ठीक है 13, और डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी होती है 16, 16 में 13 जोड़ दो कितना आएगा 29। ठीक, तो ये कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिंग हो गई। अब दूसरी मेथड से अपेंड मेथड, अपेंड मेथड इट इज यूज्ड टू ऐड टेक्स्ट एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में मैं क्या करना चाहता हूं, अपेंड करना चाहता हूं, उसमें मॉडिफिकेशंस करना चाहता हूं, तो ये देखिए कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, देखिए राइट ए जावा प्रोग्राम टू अपेंड द करंट स्ट्रिंग, ये प्रोग्राम का नाम है, ये आपका मेन मेथड हो गया, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग नेम न्यू स्ट्रिंग बफर ऋषभ, एक मैंने यहां पर पैरामीटर इसके कंस्ट्रक्टर के साथ पास किया, और अपेंड क्या करना चाहता हूं एसईएन से, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग नेम। ठीक, फिर मैं करना चाहता हूं स्ट्रिंग नेम अपेंड इज ए प्रोग्रामर, और फिर भी उसको उस मैसेज के रूप में प्रिंट कराना चाहता हूं। देखिए देखिए ऋषभ सेन, फिर ऋषभ सेन इज ए प्रोग्रामर, अब स्पेस इसलिए नहीं है कि जैसे आपने स्ट्रिंग दिया हुआ है उसी हिसाब से स्ट्रिंग इसमें वो अपेंड कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट, इट इज यूज टू इंसर्ट ए करेक्टर आर ए स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड पोजिशन। देखिए अपेंड में क्या हुआ था, लास्ट में आप स्ट्रिंग के जोड़ पा रहे थे, लेकिन इसमें किसी भी पोजिशन में, जिस पोजिशन में तुम्हें आवश्यक हो उस पोजिशन पे तुम उसको क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। आइए देखें इसका भी प्रोग्राम, तो राइट ए जावा प्रोग्राम टू यूज इंसर्ट ए करेक्टर आर ए स्ट्रिंग एट ए स्पेसिफाइड पोजिशन। तो देखिए हम क्या देख रहे हैं इसमें, क्लास स्ट्रिंग इंसर्ट डेमो, ठीक है, फिर ये मेन फंक्शन हो गया तुम्हारा, स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग नेम न्यू स्ट्रिंग शिवांगी, और इंसर्ट एसीएन 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक स्पेस, इसके बाद में उसके में एसीएन जोड़ना चाहता हूं,
जब पिछली में ऐसा नहीं था, वो अपन डायरेक्ट भी विदाउट स्पेस उसको ऐड कर रहा था। फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्ट्रिंग नेम और इंसर्ट चित्रकूट कहां फोर पर, ठीक। देखिए इसको रन करके ये देखिए शिवांगी सेन, फिर SHI चौथे नंबर पर चित्रकूट वांगी सेन, ठीक। अब आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी सुविधा अनुसार, तो कितना करना पड़ेगा आपको, देखिए 9 और ये कितना हुआ 12, तो यहां पर आप लिख दीजिए 13 बीच। अभी अब लास्ट उसको जोड़ना है, अगर शुरुआत में जोड़ना होता तो ये स्पेसिफाइड पोजीशन जहां पर जिस चीज को आप जोड़ना चाहते हैं वहां पर आप इसको जोड़ सकते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है, ठीक है। पिछले वाले प्रोग्राम में हम सिर्फ लास्ट में जोड़ सकते थे, अब इसमें हम जहां पर बीच में देखिए मैं भी जोड़ा था, अब इसको देखिए लास्ट में अपन जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए शिवांगी से चित्रकूट, ठीक। नेक्स्ट मेथड है आपकी रिवर्स, इज यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग। इस मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को जो भी स्ट्रिंग हमारी होगी उसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए कैसे रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिवर्स द गिवन कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग यूजिंग रिवर्स मेथड। तो हमने ये एक क्लास बनाई हुई है स्ट्रिंग रिवर्स डेमो, ये हमारी मेन मेथड है। फिर स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग नेम न्यू, स्ट्रिंग बफर सदगुरु, मैं सदगुरु को रिवर्स करना चाहता हूँ, स्ट्रिंग नेम रिवर्स और उस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। तो ये देखिए ये देखिए पूरा SADGURU इधर से पढ़ लीजिए, ये उल्टा लिख गया है, ठीक, वो रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट है डिलीट एंड डिलीट कैरेक्ट। इस मेथड का जो यूज होता है एक्चुअल में, हम पूरे जो ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग बफर का, तो अगर हम डिलीट मेथड का यूज करते हैं तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग डिलीट हो जाती है। यदि हम उस स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक करेक्टर को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कैर एट का, मान लीजिए मेरे पास 5 वर्ड्स की एक स्ट्रिंग है, मैं उसमें से तीसरा वाला डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं डिलीट कैर एट का यूज करके उस स्ट्रिंग को डिलीट कर सकता हूं, ठीक है। आइए देखिए इस प्रोग्राम को, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग डिलीट एंड डिलीट कैरेट मेथड। ये मेरी एक क्लास है स्ट्रिंग डिलीट, ये मेन मेथड है, और मैंने एक स्ट्रिंग ली है चित्रकूट, ठीक है। तो स्ट्रिंग नेम डिलीट, ठीक, 0, 4, ठीक है, मतलब 0 से लेकर 4 तक ये करेक्टर्स में क्या करना चाहता हूं, डिलीट करना चाहता हूं, और फिर मैं उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा दूंगा। दूसरे केस में मैं क्या करना चाहता हूं, डिलीट कैर एट स्पेसिफिक 2 नंबर का करेक्टर डिलीट करना चाहता हूं, ठीक। आइए देखिए इसको,
ये देखिए आर कूट और आर ए डबल ओ, तो ये आर कूट हो गया पहले, भाई सी एच आई तो चला गया ना, सी एच आई टी, फिर आर ए और के, ये दूसरे नंबर का के भी चला गया। ठीक, इस तरह से हम डिलीट और डिलीट एट फंक्शन का यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपकी रिप्लेस, इट विल रिप्लेस वन सेट ऑफ करेक्टर विथ अनदर सेट विद इन ए स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट यूजिंग रिप्लेस। मतलब एक करेक्टर का सेट है और हम उस करेक्टर के सेट को दूसरे करेक्टर के सेट से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इसके लिए जब हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये रिप्लेस करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमें रिप्लेस मेथड का यूज करना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे इसको करते हैं। तो स्ट्रिंग को रिप्लेस करने के लिए राइट ए जावा प्रोग्राम टू रिप्लेस वन सेट ऑफ करेक्टर विथ अनदर सेट विद इन ए स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट यूजिंग रिप्लेस मेथड। तो देखिए ये मैंने एक क्लास लिया हुआ है स्ट्रिंग रिप्लेस, ये मेरी मेन मेथड है, और ये मैंने स्ट्रिंग बफर एस टी आर न्यू स्ट्रिंग बफर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब एस टी आर डॉट रिप्लेस, तो 6 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 स्पेस और कहां 11 नंबर तक। ठीक है, इसको मैं इतना रिप्लेस करना चाहता हूं, मीन्स ये 11 6 से, तो 7 8 9 10 11, ये इसके साथ में इसको रिप्लेस, तो ये हेलो वर्ड की जगह क्या आ जाएगा, हेलो एस आई सी एस आ जाएगा। और देखो ये देखिए ये आपका कंपाइल हो गया, और ये देखिए हेलो ऐसा, हेलो वर्ड की जगह क्या लिख के आ गया, हेलो एस आई सी एस आ गया। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में इंस्टॉल कैपेसिटी, वही जो मैंने शुरुआत में कैपेसिटी पढ़ाई थी कि डिफॉल्ट इसकी 16 होती है, तो इस मेथड का यूज हम मिनिमम कैपेसिटी को इंश्योर करने के लिए करते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो आइए इसका प्रोग्राम देखते हैं। देखिए यहां पर प्रत्येक उसके साथ कमेंट्स लाइन लगी हुई है, ये इंश्योर कैपेसिटी डेमो करके एक प्रोग्राम क्लास है, इसमें ये मेन क्लास है। स्ट्रिंग बफर एस टी आर न्यू स्ट्रिंग बफर कुछ भी नहीं इसमें दिया, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया है, पहला वाला कंस्ट्रक्टर। तो जब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो एस टी आर कैपेसिटी कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 16, क्यों 16 क्यों प्रिंट होगी, इसलिए आउटपुट में 16 इसके आएगा कि ये आपको पता है कि इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कितनी है, 16। तो चूंकि एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की 16 करेक्टर्स होती है, फिर एस टी आर डॉट इंस्टॉल कैपेसिटी अब कितना तुमने कर दिया, 30, तो 30 मतलब ग्रेटर देन द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो तुम्हारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 16, तो उससे क्या है 30 बड़ा है। फिर क्या कर दो तुम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस टी आर डॉट कैपेसिटी, तो 34, क्यों 34 हो जाएगी, द रूल है ओल्ड कैपेसिटी इंटू 2, मतलब ओल्ड कैपेसिटी 16 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 16 × 2 = 32 = 34, तो कितना आएगा आंसर इसका, 16 × 34 = 34। ठीक है, आइए देखिए इस एग्जाम्पल को। ये देखिए 16 16 इंश्योर कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि अपन दोबारा 30 को करा रहे थे ना, तो उसके बाद उसमें 2 कैपेसिटी कर दिया, तो जब इंश्योर, तो 16 × 2 और +2 उसमें जुड़ जाता है, तो कितना हो गया 34। ठीक है, तो ये थी आपकी स्ट्रिंग बफर क्लास।
इसके मेथड्स आपको दे दिए, इसके एग्जांपल्स दे दिए, आप लोग इसको पढ़िएगा। कहीं पर भी कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा या मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।